कथा है, ये किस प्रकार से हुई है, ये कथा किस प्रकार से विस्तार में है बताइए। तब यहाँ पे सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि एक बार इंद्र अपने ऐरावत पर बैठ के जा रहे हैं, तो सामने से दुर्वासा ऋषि निकल रहे थे। दुर्वासा जी ने देखा कि इंद्र आसन पे ना होकर आज ऐरावत पर जा रहे हैं, तो उनके मन में बड़ी खुशी होती है और वो इंद्र को देखते हैं, अपने गले से माला निकालते हैं और इंद्र के गले में पहना देते हैं। तो यहाँ पे वो इंद्र माला पहनकर आगे रास्ते में चले जा रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद इंद्र वो माला अपने गले से निकालकर हाथी की सूंड पे डाल देते हैं। अब हाथी की सूंड पे वो क्योंकि माला है, तो आगे के रास्ते में वो सूंड से माला नीचे गिर जाती है। अब इंद्र तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अब उसी रास्ते से वापस दुर्वासा जी जा रहे थे। जब दुर्वासा जी उसी रास्ते से जाते हैं, वो अपनी माला को पहचान जाते हैं, कहते हैं अरे ये तो वही माला है जो मैंने इंद्र को गले में पहनाई थी। इंद्र को तीन लोक 14 भुवन का इतना घमंड है कि मेरी माला का अपमान करके चले गए। तब यहाँ पे दुर्वासा जी वही खड़े खड़े इंद्र को श्राप दे देते हैं कि इंद्र तुम्हें जिस तीन लोक 14 भुवन का घमंड है ना, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तीन लोक 14 भुवन तुमसे छीन लिए जाएं। अब यहाँ पे जैसे ही इंद्र को श्राप लगा, तो ये बात शुक्राचार्य जी ने सुन ली। शुक्राचार्य जी कौन थे? शुक्राचार्य जी हैं दैत्यों के गुरु। तो यहाँ पर जैसे ही उन्होंने सुना कि इंद्र को श्राप लग गया है, तब वो दैत्यों से कहने लगते हैं कि अभी इंद्र श्रापित है, आक्रमण कर दो, तीनों लोक 14 भुवन हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दैत्य कहते ठीक है। तो यहाँ पर दैत्य देवताओं से कहते हैं हमें युद्ध करना है। तब यहाँ बात ठाकुर जी के पास जाती है। ठाकुर जी कहते हैं अभी इंद्र श्रापित है, हम युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि अगर युद्ध किया तो सीधा सा अर्थ है कि हम सब कुछ हार जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दैत्य पीछे नहीं हट रहे, दैत्य कह रहे नहीं हमें तो युद्ध करना है। तब ठाकुर जी कहते हैं कि हम युद्ध के बदले समुद्र मंथन करेंगे, और जब हम समुद्र मंथन करेंगे तो उसमें से अमृत निकलेगा, अमृत निकलेगा तो उसको सब में बांट के पिएंगे तो अमर हो जाएंगे, तो देवताओं को भी अमृत मिल जाएगा और दैत्यों को भी अमृत मिल जाएगा। यहाँ पर दैत्य मान जाते हैं। दैत्य क्यों मान जाते हैं? क्योंकि दैत्यों को पता था कि समुद्र मंथन ना तो अकेले देवता कर सकते हैं, ना ही अकेले दैत्य कर सकते हैं, दोनों को इकट्ठा ही होना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो मान गए हैं। अब समुद्र मंथन जैसे ही होता है, तो यहाँ पे मद्राचल पर्वत को समुद्र के बीच में रखा जाता है, बासुकी नाग का रस्सा बनाया जाता है। अब यहाँ पे ठाकुर जी अपनी चाल चलते हैं, देवताओं से कहते हैं कि तुम जिद करना कि हमें बासुकी नाग के मुख की तरफ खड़े रहना है। तो यहाँ पे देवता जिद करने लगते हैं कि हमें नाग के मुख की तरफ खड़े होना है। दैत्य सोचते हैं जरूर मुख की तरफ खड़े रहने में कोई फायदा होगा, तभी ये देवता जिद कर रहे हैं। तो दैत्य कहने लगते हैं कि नहीं, अभी हम राजा हैं, हम मुख की तरफ खड़े होंगे। ठाकुर जी कहते हैं बात सही कह रहे हैं, आप राजा हैं अभी इस समय, तो आप मुख की तरफ खड़े हो जाइए। तो यहाँ पे दैत्य नाग के मुख की तरफ खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही मंथन आरंभ होता है, तो नाग को खींचा जा रहा है। जब नाग को खींचा जाता है तो पर्वत डूबने लग रहा है, तो तब भगवान कच्छप अवतार धारण करते हैं और मद्राचल पर्वत को पीठ पर धारण करते हैं। अब जैसे ही नाग को जोर से खींचते हैं, तो नाग के मुख से विष निकलता है, और जब वो विष निकलता है तो दैत्यों के ऊपर गिरता है, तो आधे दैत्य तो उस विष से ही समाप्त हो जाते हैं। फिर दैत्यों को यहाँ समझ आता है कि अरे ये तो विष्णु की चाल थी कि मुख की तरफ खड़े रहने में विष निकलना था, तो आधे दैत्य तो इसने ऐसे ही समाप्त करा दिए हैं। तुरंत इशारा करते हैं पीछे हट जाओ। तब यहाँ पे दैत्य पीछे हटते हैं। फिर मंथन किया जा रहा है। जब मंथन होता है तो उसमें से कल्प वृक्ष निकलता है,
सुंदर सुंदर देवांगनाएं निकलती हैं, अप्सराएं निकलती हैं, अप्सराओं को इंद्रलोक भेज देते हैं, परिजात वृक्ष निकलता है और समुद्र मंथन से विष भी निकला है। अब जैसे ही विष निकला तो सब पीछे हट गए, क्या खड़े तो सब अमृत के लिए हैं, लेकिन विष निकला है। और समुद्र मंथन की शर्त थी कि जो जो चीजें समुद्र मंथन से निकलती जाएंगी उनका प्रयोग करना पड़ेगा, तब आगे समुद्र मंथन हो पाएगा। तो अब विष को कौन ग्रहण करे? अब जब विष की बारी आई तो देवताओं ने तो पहले ही पीछा कर लिया था, देवता भी पीछे हट गए। ठाकुर जी ने कहा अब क्या किया जाए। तब यहाँ पे उस विष के बारे में सोचते हुए ठाकुर जी महादेव जी के पास गए। महादेव जी से कहने लगे कि महादेव जी समुद्र मंथन हुआ है। महादेव जी ने कहा तो मैं क्या करूं? अरे बोले उसमें से विष निकला है। तो बोले फिर मैं क्या करूं? अरे बोले अब आप तो खुद समझदार हैं, जब विष निकला है तो समुद्र मंथन की शर्त है कि जब तक उसका जो भी उसकी चीजें निकल रही है उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक आगे मंथन नहीं हो सकता, तो उस विष को आप ग्रहण कीजिए। यहाँ पर महादेव जी कहने लगे कि नहीं मैं नहीं ग्रहण करूंगा, ब्रह्मा जी को देकर देखो। ब्रह्मा जी ने एक साथ तीनों सिर हिला दिए, नहीं नहीं हमारे वश का नहीं है, हमें और भी काम देखने हैं सृष्टि के, हम नहीं। तो यहाँ पे महादेव जी ने कहा तो फिर मेरे पास लेकर आओ। तो यहाँ पे जैसे ही विष आता है तो माता पार्वती कहती है ये देवता बड़े होशियार है, अमृत तो खुद पी लेंगे और विष मेरे पति के पास लेकर आ गए। तो यहाँ पे महादेव जी से कहने लगती है कि आप विष को ग्रहण नहीं करेंगे, देवता बड़े होशियार हैं, अमृत की बारी तो खुद ले लेंगे, विष आपको दे रहे हैं, तो आप विष का पान मत कीजिएगा, अगर आपने विष का पान किया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। महादेव जी ने कहा जग कल्याण के लिए अगर मृत्यु हो भी गई तो कौन सी बड़ी बात है। माता पार्वती समझ गई कि महादेव जी ऐसे नहीं मानने वाले, वो विष को ग्रहण करेंगे ही करेंगे। तो माता कहने लगती है ये बताइए आप मुझसे प्रेम करते कि नहीं करते? अरे बोले आपसे तो मैं बहुत प्रेम करता हूँ। तो बोले मेरा स्थान आपके शरीर में कहाँ पे है? बोले आप हृदय में रहती हो। तो बोले तब तो वो विष गले से हृदय में भी उतरेगा तो मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। महादेव जी ने कहा मैं उस विष को गले से नीचे उतरने ही नहीं दूंगा, तो आपकी भी मृत्यु नहीं होगी और विष को भी मैं पान कर लूंगा, हृदय तक आने ही नहीं दूंगा। यहाँ पर महादेव जी ने विष को ग्रहण किया, जैसा उन्होंने कहा गले में ही रखूंगा। तो जैसे ही विष को गले में रखते हैं तो यहाँ भगवान का गला जो है कंठ है वो नीला पड़ने लगता है, तभी से महादेव जी का नाम पड़ता है नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कितने नागराज मंत्र से फाल भोगे वासुकिम परवीय गिरो तस्में नेत्रां बंधी मुंदेन विता नेत्रां बंधी मुंदेन विता। और यहाँ पे जैसे महादेव जी ने विष को ग्रहण किया तो फिर और आगे मंथन किया गया। फिर मंथन करते हैं तो लक्ष्मी माता निकलती है, वो भी वरमाला लेके। अब जब माला हाथ में है तो ये तो तय है कि किसी ना किसी के गले में ये माला जाएगी। अब जिसके गले में जाएगी यानी विवाह है पक्का। तो यहाँ पे दैत्य खड़े हैं, देवता खड़े हैं, ऋषिगण खड़े हैं, सब अपना अपना श्रृंगार ठीक कर रहे हैं। क्या पता मेरे गले में माला आ जाए। देवताओं ने अपने ही बारे में सोचते हुए अपना श्रृंगार ठीक किया, ऋषिगण भी लग गए। तो यहाँ पे सबसे पीछे ठाकुर जी खड़े हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको पता है माला मेरे ही गले में आनी है, तो भगवान पीछे खड़े हैं, सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ लक्ष्मी माता सबसे पहले माला को लेकर दैत्यों के सामने से जाती है, कहती है बल है पर इनमें बुद्धि नहीं है, अगर इनमें बुद्धि होती तो जब मंथन आरंभ हो रहा था तो ये नाग के मुख की तरफ थोड़ी खड़े होते,
लेकिन विष्णु की चाल में आके मुख की तरफ खड़े हो गए। तो आधे तो पहले से ही समाप्त मिले मुझे, जिनमें बल है, पद है, लेकिन बुद्धि नहीं है, तो इन्हें माला नहीं पहनाएंगे। अब ऋषि गणों के सामने से जाती है, कहती है बल है, बुद्धि है, पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन ये क्रोधी बड़े हैं, इन्हें क्रोध बड़े जल्दी आ जाता है। अगर इतना ही क्रोध नहीं आता होता तो क्या दुर्वासा जी श्राप देते जो ये समुद्र मंथन होता? पहले ही श्राप नहीं देते तो इनको भी माला नहीं पहनाएंगे। अब देवताओं की बारी, कहती है बल है, बुद्धि है, विवेकी भी है, लेकिन इन्हें अहंकार बहुत है। अगर इंद्र को अहंकार नहीं होता तो क्या वो माला गले से उतार के हाथी की सूंड पे डालते? ना हाथी की सूंड पे माला गिरती, ना रास्ते में माला गिरती, ना ही श्राप लगता। तो ये अहंकारी बहुत है, इन्हें माला नहीं पहनाएंगे। अब सबसे पीछे खड़े हैं ठाकुर जी, अब उनकी तरफ देख रही है लक्ष्मी माता, कहती हैं बल है, बुद्धि है, विवेक है, जितने भी गुण हैं सब ठाकुर जी के अंदर हैं। कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम्, विद्या वही अच्छी जो हमें विनम्र बनाए, वो विद्या कोई काम की नहीं कि हमें केवल धन कमाने की मशीन बना दे कि जितना है धन कमाओ। तो विद्या ददाति विनयम् और विनयादि ददाति पात्रतम। जब हम विद्या को ग्रहण करके विनम्र बनेंगे और जब विनम्र बनेंगे तो एक अच्छे पात्र बनेंगे। तो विद्या ददाति विनयम् और विनयादि ददाति पात्रतम और पात्रादि धनम और धनादि धर्मम और धर्मादि जयम। और जब पात्र बनेंगे तो पात्रादि धनम, धन अपने आप आएगा, और धनादि धर्मम, और जब धन आएगा तो हम धर्म के कार्य भी करेंगे, और जब धर्म के काम करें तो हमारी जय जयकार ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो धर्मादि जयम, ये सारे गुण जो थे वो ठाकुर जी में थे। तो यहाँ पे लक्ष्मी माता जाती हैं और ठाकुर जी को वो वरमाला पहना देती है। तो यहाँ पे ठाकुर जी के साथ लक्ष्मी माता का विवाह होता है। तो जो हम दीपावली का उत्सव मनाते हैं उसी कारण मनाया जाता है कि उसी दिन लक्ष्मी माता का विवाह ठाकुर जी के साथ हुआ था। दूसरा कारण कि श्री राम भी वापस अयोध्या आए थे वनवास की अवधि पूरी करके, तो दीपावली के दिन ही ठाकुर जी का विवाह माना गया है। अब बारी आती है अमृत की। अब जैसे ही अमृत की बारी है सब एकदम तैयार है कि ये हाथ से नहीं छूटना चाहिए, लक्ष्मी चली गई कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जैसे ही अमृत निकलता है तो दैत्य और देवता दोनों लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। तब भगवान मोहिनी अवतार बनाते हैं, मोहिनी अवतार धारण करते हैं। भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि जो देखे पागल हो जाए, बहुत सुंदर, उनके जितना कोई सुंदर ही ना हो। और दैत्य तो थे ही कामी कि जिसको सुंदर देखो उसी के पीछे पड़ लो, जो सुंदर देखे उसी के लिए लग जाओ। तो जैसे ही देखा कि सुंदर स्त्री खड़ी है तो यहाँ मोहिनी अवतार में ठाकुर जी नृत्य करने लगे। तो नृत्य करते करते दैत्यों को तो भगवान अमृत से दूर ले गए और मोहिनी अवतार में देवताओं के लिए वो अमृत पान करवा देते हैं। फिर उन्हीं में से एक दैत्य को समझ आता है कि अरे ये तो विष्णु है। तो वो एक दैत्य जो था यहाँ अपना वेश बदलता है, देवताओं की श्रेणी में खड़ा हो जाता है देवता बन के। तो भगवान उसको भी अमृत पान करवा देते हैं। फिर भगवान को समझ आता है ये तो देते हैं। भगवान तुरंत सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं और जैसे ही सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं सर धड़ से अलग कर देते हैं, लेकिन यहाँ अमृत ने अपना काम कर दिया था। तब यहाँ पर वो दो देते होते हैं, राहु और केतु नामक देते, जो देते आज भी हैं राहु और केतु, उनको भी भगवान ने अमृत पान करवा दिया था। तो यहाँ पे देवताओं ने जब अमृत पान कर लिया, देत्यों को मदिरा पान करवा दी, फिर यहाँ पे जैसे ही थोड़े मूर्छा से बाहर आ रहे हैं होश में आते हैं तब दुख मना रहे हैं कि हमने एक स्त्री के मोह में विष्णु को एक स्त्री समझ के अमृत रूपी कलश गवा दिया। और यही हमारे साथ होता है, कैसे कि जैसे ही हम सुंदरता के पीछे जाते हैं
तो फिर हमसे भी अमृत रूपी कलश है वो पीछे छूट जाता है, तो यहाँ पे अमृत प्राप्त नहीं होता है।